फाइनली हमने टापा खोलिया, उसके बाद दोस्तों ये बैरिंग निकाला हमने। बैरिंग निकालने के बाद जो इसके स्क्रू हैं वो निकालेंगे, चार इसके स्क्रू हैं दोस्तों, इसको फटाफट खोलेंगे। ये दोस्तों उसके बाद हम इसका नट खोलेंगे। फाइनली हमने नट लूज़ कर लिया है, इसका नट निकालेंगे, इसकी वाशर निकालेंगे और इसका डाक निकालेंगे। ये फाइनली हमने क्लच बॉक्स इसका निकाल लिया। उसके बाद छोटी गिरारी निकालेंगे जो ड्राइव ड्राइव गियर होता है, उसके बाद ड्रिवन गियर निकालेंगे जो बड़ी स्प्रॉकेट होती है जो इसकी। निकालने से पहले दोस्तों इसका लाख निकालेंगे जो इसका सर क्लिप होता है, ये स्प्रॉकेट हमने निकाल ली है। उसके बाद दोस्तों ये फॉल्ट हमारे सामने आ गया है दोस्तों। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, किसी किस्म की परेशानी लेने की मेरे दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक 78 सीसी मोटर बाइक आई है, इसके अंदर फॉल्ट ये है कि दोस्तों ना तो गियर सेलेक्ट होते हैं और ना ही गियर बाहर आते हैं, ना ही निकलते और ना ही लगते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है दोस्तों, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ आखिर ये किस तरह यानी कि कैटेगरी से हम गियर लगाते हैं तो क्यों नहीं लगते दोस्तों। तो सबसे पहले आपको चेक करवा लेते हैं इसमें फॉल्ट वाकई गियर का मसला है, वाकई हम इसकी साइड खोलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे साइड को ओपन कर लूँ और बाद में देखूँ कि ये बिल्कुल ओके है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं दोस्तों, बाहर से कौन कौन सी चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, ये देखें दोस्तों इधर का। बस दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि जो हमारा यहाँ पे पैरदान वगैरह होता है वहाँ पे ये लीवर वगैरह अट जाता है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम होता है कि हमारे अंदर से फॉल्ट है, लेकिन हमारा अंदर से फॉल्ट नहीं है, ये जस्ट हमने खोल लिया है। लेकिन मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको और ये गियर ना तो निकलता है और ना ही लगता है दोस्तों। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, ये देखें मैं स्टार्ट करूँगा इसे, ये हमारी मोटर बाइक स्टार्ट होगी दोस्तों। ये देखें मैंने क्लच भी नहीं पकड़ा और ये निकाल ऊपर दिखाओ कुछ, जैसे भी मैं लगा रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि हमारा जो है ना साइड कवर में ही मसला है। तो हम इसे साइड कवर को खोलते हैं बहुत ही जल्दी से, फिर आपको दिखाएंगे। टापा खोलने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम इसका सेंसर ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसकी की ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसका साइड कवर खोलेंगे दोस्तों। ये दोस्तों फाइनली हमने टापा खोलिया, उसके बाद दोस्तों ये बैरिंग निकाला हमने। बैरिंग निकालने के बाद जो इसके स्क्रू हैं वो निकालेंगे, चार इसके स्क्रू हैं दोस्तों, इसको फटाफट खोलेंगे। ये दोस्तों उसके बाद हम इसका नट खोलेंगे। फाइनली हमने नट लूज़ कर लिया है, इसका नट निकालेंगे, इसकी वाशर निकालेंगे और इसका डाक निकालेंगे। ये फाइनली हमने क्लच बॉक्स इसका निकाल लिया। उसके बाद छोटी गिरारी निकालेंगे जो ड्राइव गियर होता है, उसके बाद ड्रिवन गियर निकालेंगे जो बड़ी स्प्रॉकेट होती है जो इसकी। निकालने से पहले दोस्तों इसका डाक निकालेंगे जो इसका सर क्लिप होता है, ये स्प्रॉकेट हमने निकाल ली है। उसके बाद दोस्तों ये फॉल्ट हमारे सामने आ गया है दोस्तों। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, किसी किस्म की परेशानी लेने की मेरे दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। ये देखें जो हमारी ये पट्टी है दोस्तों, ये पट्टी यहाँ पे नीचे होती है दोस्तों, इसकी जो वाशर है दोस्तों वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से हमें ये मसला बना है। ना तो आगे पीछे गियर हो रहा है और ना ही सिलेक्ट हो रहा है, ना ही हमारा निकल रहा है, ना ही हमारा लगता है गियर दोस्तों। हम सबसे पहले इस पट्टी को निकालेंगे, यहाँ से हम 10 mm का इसका बोल्ट है दोस्तों, ये इसका खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसकी नई भी दिखाएँगे, इसमें ये किस तरह की होती है और ये किस तरह की होती है दोस्तों। ये इसका जो पट्टी का जो छोटी सी जो इसकी रूलर है वो बाहर टूट चुकी है, ये हमने यहाँ से मिली है दोस्तों। ये निकालेंगे और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे और नई इंस्टॉल करेंगे, फिर देखेंगे इसके हमारे गियर सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते दोस्तों। ये आपने लेफ़्ट साइड पे आपने इसको घुमाना है और ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। ये देखें दोस्तों हमारी पट्टी बाहर आ गई है दोस्तों। जो ये हमारे ये वाली है ये दोस्तों हमने नहीं लिए, जो हमारी ये वाली है दो पट्टी दोस्तों ये हमारी यहाँ से निकल गई है दोस्तों, यहाँ से टूट चुकी है दोस्तों। इसकी जगह हमने दोस्तों इसको इंस्टॉल करेंगे इसकी नई वाली को। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, आपको दोस्तों को दिखाऊँगा मैं किस तरीके से ये फिट होती है। कुछ इस तरीके से फिट होती है, स्प्रिंग हमारा आगे की जानब आएगा और बुल्ट हमारा पीछे की जानब आएगा और बीच में हमारे सेंटर में ये पट्टी आएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, ये देखें कुछ आपने हाथ की मदद से लीवर को आगे की तरफ घुमाना है और हमारा जो है ये आसानी के साथ खांच में बैठ जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपने पहले बुल्ट लगाना है, उसके बाद आपने अंगूठे की मदद से या फिंगर की मदद से आपने पीछे की जानी ओवर लेके जाना है। ये देखें कुछ इस तरीके से, अगर ये ना घूमें हाथ की मदद से तो ये देखें टीराड की मदद से घुमा लें आप बिल्कुल। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, ये गियर शिफ्टर को घुमा लें, ये देखें कुछ यहाँ पर आपने जब एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसको टाइट करते जाएँगे। उसके बाद हमें इसका होल्ड एक हाथ हम होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे बोल्ट को।
ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। जब ये टाइट हो जाए तो आपने ये देखना है फिंगर की मदद से ये ऊपर नीचे होता है कि नहीं, ये जाम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल हमारा ओके हो गया, इसी का मसला था दोस्तों। उसके बाद मैं आपको गियर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा टाइट करो, टाइट करो, टाइट हो, ये दोस्तों टाइट हो गया। ये देखें हमारे माशाल्लाह अच्छे से गियर सेलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें मैं ये शाफ्ट को घुमाऊंगा आगे की जानिब, घुमाऊंगा आगे की जानिब, लगाओ गियर। ये देखें हमारा माशाल्लाह अच्छे से सिलेक्ट हो रहे हैं, पीछे की जानिब, पीछे की जानिब। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से हमारे वर्क कर रहे हैं हमारे गियर प्रॉपरली, हमारा काम मसला ही इसी का है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये तो हमारा कन्फर्म ओके हो गया है दोस्तों, ये काम दोस्तों ये हमारा प्रॉपरली गियर का तो हमारा काम ओके हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, जो इसकी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों, हमारी जो ये आयल पंप की जाली है आप इसको देख लिया करें, ये देखें कितनी इसके अंदर कार्बन है। ये मैंने निकाली प्लास की नोक की मदद से। उसके बाद मैं दोस्तों इसके जो कचरा वगैरह है हाथ में रोकड़ा, ये देखें मैं इसका कचरा वगैरह निकालूंगा। ये भी आपने ज़रूर ही ध्यान करना मेरे दोस्तों, ये वो कचरा है जो हमारी गोटे वगैरह होते हैं, ये जो दोस्तों टूट चुके हैं, ये वो कचरा इधर आ गया है दोस्तों। ये आप गैलरी साफ़ किया करें, अगर गैलरी को आप साफ़ नहीं करेंगे दोस्तों सप्लाई आपकी आयल की रुक जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है ना इंजन सीज हो सकता है, बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं दोस्तों। ये आप छोटे छोटे काम को ध्यान में ज़रूर रखा करें दोस्तों। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों अगर आप इस तरह काम करेंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर ट्रेस फॉल्ट मिल जाएगा। जस्ट आपने वहीं पे जाना है जहाँ पे आपने जाना चाहिए, ये नहीं कि भी पहले उधर से खोला फिर इधर से खोला। अगर आप ध्यान से काम करेंगे, नियत से काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी दोस्तों। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।